बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इन्फॉर्मेटिव टीवी में मैं आपका एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। आज नाजरीन आपके लिए जो प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ, नहायत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है और यकीन करें कि पूरे अब्बासपुरा में इस तरह की प्रॉपर्टी, इस तरह का नक्शा आपको नहीं मिलेगा। कैमरा मैन फ्रंट एलिवेशन दिखा सके तो ये सारा फ्रंट एलिवेशन है। गैस, बिजली, पानी, सीवरेज, हर फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। एक लेफ्ट साइड से रास्ता आ रहा है, एक राइट साइड पे रास्ता आ रहा है। अभी आपको जो है ना, पहले लेफ्ट साइड से रास्ता आ रहा है वो उसका व्यू, फिर राइट साइड पे रास्ता है उसका सारा व्यू दिखा के अगेन हम यहाँ पे आएंगे और सारी आपको प्रॉपर्टी का व्यू दिखाएंगे। मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, ये रोड का व्यू आपको दिखा रहे हैं जूम करके। अकेचारी वाली साइड से रास्ता आ रहा है SP हाउस, लेफ्ट साइड पे डोग मुकरब और ये राइट साइड पे जो है ना अब्बासपुरा। ये देखो, ये गली का व्यू है, ये होम्योपैथिक क्लिनिक और ये देखें, ये मस्जिद, ये मेडिकल स्टोर, भट मेडिकल स्टोर, ये साथ ये स्लोमी मस्जिद है, ये देख सकते हैं जी। ये स्लोमी मस्जिद का व्यू है और ये अकिल मुर्गियों वाला, ये जूम करके दिखा रहे हैं आपको, ये देखें, ये अकिल मुर्गियों वाला और ये गली है। मकान तक लेके चलता हूँ, मकान तक का व्यू दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। दूसरी साइड से आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, ये कचहरी वाली साइड से अब्बासपुरा, ये सामने गली है, ये कचहरी वाली साइड आगे खातीन कॉलेज है, उसके सामने से रास्ता रहा जा रहा है डोग जुमा, ये राइट साइड पे है देख सकते हैं, और ये गली है। इस साइड से रास्ता दिखाऊँ आपको तो ये मोहम्मदी चौक वाली साइड पर रास्ता जा रहा है, ये देख सकते हैं, ये जूम करके आपको दिखा रहे हैं, और ये अब्बासपुरा, ये सामने गली है, एंटर हो रही है, तो अभी वहाँ तक लेके चलता हूँ आपको सारा व्यू करके। यहाँ इस साइड से भी रास्ता जा रहा है और एक वो सामने से गली है, जूम करके दिखा रहा हूँ, वो जहाँ पे ग्रीन कपड़ा लगा हुआ है इसके आगे जो है ना गली एंटर लेफ्ट साइड पे हो रही है। तो क्या साथ तो जी नाज़रीन, आपको लेफ्ट साइड पे जो सारी गली का व्यू यहाँ तक दिखाया है, राइट साइड से जो रास्ता आ रहा है, दो ये स्ट्रीट्स दिखाई हैं आपको, इसके अलावा दो से तीन डिफरेंट स्ट्रीट्स इस घर को लगती हैं प्रॉपर्टी को। बैक साइड की गली फ्री है, फ्रंट का प्लान देख सकते हैं, पूरे अब्बासपुरा में इस तरह का प्लान आपको नहीं मिलेगा। एक्सलाई गाड़ी की इजीली एंटर हो जाती है इस घर में। फ्रंट एलिवेशन जबरदस्त, पेंट का इस्तेमाल, टाइल का इस्तेमाल, गेट व्यू, कलर कम्बिनेशन बहुत जबरदस्त। आपको सारा अगेन मैं जो है ना फ्रंट एलिवेशन दिखा के घर के अंदर का सारा व्यू दिखाता हूँ, तो आपने मेरे साथ रहना। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, रेट भी रिजनेबल है और आपने आज की वीडियो स्किप नहीं करनी। ये देख सकते हैं जी, ये सारा फ्रंट एलिवेशन है, नहायत ही खूबसूरत व्यू है जी फ्रंट का। कलर कम्बिनेशन देख सकते हैं आप, बाहर अलमुनियम का इस्तेमाल किया गया है, प्लंथ बहुत अच्छा है, गाड़ी इजीली अंदर एंटर होगी, स्लोप बड़ी अच्छी बनी हुई है जी। ये देख सकते हैं यहाँ पे गुटका इन्होंने लगाया होगा, गुटका टाइल। अभी गेट की डिजाइनिंग देख सकते हैं, स्टील का इस्तेमाल किया गया, पाइपिंग का इस्तेमाल, और ये देख सकते हैं आप ये गेट का ये जो डिज़ाइन है, ये अभी बहुत कम किसी गेट में आपने देखा होगा, सिटी हाउसिंग में जो गेट लगे हैं उनमें ये डिज़ाइन है। तो ये नीचे कार पोर्च, बड़ी गाड़ी इजीली एंटर हो सकती है। लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं आप 3D वॉल का इस्तेमाल, सीलिंग, खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन, नीचे मार्बल, ये वॉलपेपर नहीं 3D पेंट में इन्होंने डिजाइनिंग बनाई है जी। ये सामने भी देख सकते हैं रेड और सॉरी ब्लैक और गोल्डन कम्बिनेशन, कार पोर्च का व्यू, बड़ा खूबसूरत डिजाइन, टेक्सचर डिजाइन किया हुआ है। लेफ्ट राइट साइड पे ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम का सारा व्यू और ये सीलिंग देख सकते हैं, निहायत खूबसूरत, और इसमें जो सामने वॉल ये भी पेंट के साथ इन्होंने डिजाइन किया हुआ, नीचे मार्बल का इस्तेमाल, टिकी डिजाइन मार्बल, खूबसूरत अटैच वॉशरूम है जी। ये देखें जी वॉशरूम का व्यू, सारा इंग्लिश सीट लगी हुई, यहाँ पे कमोड लगा हुआ है, और अब भी ये घर बना है, ये ओनर ने यकीन करें कि बड़ा रीजनेबल प्राइस में, एंड पे प्राइस कोट करूंगा, और ये उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए बनाया है, लेकिन जाहिर है उन्होंने अब्रॉड जाने का प्लान बन गया, इस वजह से ये सेल कर रहे हैं। देख सकते हैं किचन का व्यू, सारा यूवी शीट्स लगी हुई है, और ये देखें जी ये सारा व्यू आपको किचन का दिखा रहा हूं, इनसाइड से आउटसाइड का व्यू दिखाऊं तो ये देख सकते हैं
बड़ी गाड़ी एक्सलाई जबरदस्त सेंटर होगी जी, देख सकते हैं गाड़ी का व्यू। और स्टेयर्स ऊपर जाने से पहले मैं आपको ना इस रूम का व्यू दिखाता हूँ। हर रूम में डिफरेंट टेक्सचर डिजाइन हुआ हुआ है 3D पेंट के साथ, निहायत खूबसूरत व्यू है जी ये। और ये बैक साइड पे गली है, बैक साइड पे फ्रेश एयर के लिए ये रास्ता है जी, ये देख सकते हैं आप। ये आपको बैक साइड का व्यू दिखाया है। एक ये रूम है जी, इस रूम में भी 3D का सारा सीलिंग डिजाइन। थोड़ी फास्ट वीडियो इसलिए करूंगा आपको सारा व्यू। ये बाहर वाली साइड पे जी, जहां से आपको बाहर का व्यू दिखाया घर के, और कैमरामैन सारा आपको फ्रंट एलिवेशन दिखा सके, तो ये देख सकते हैं। ये व्यू है फ्रंट सारा जी, ये देखें। और इस साइड से रास्ता दिखाता चलूँ तो ये कंक्रीट कारपेट स्ट्रीट इस्लामिया स्कूल की बैक साइड, ये देख सकते हैं बैक साइड से सारा रास्ता आ रहा है। और ये अगेन फ्रंट एलिवेशन है जी। बैक साइड पे गली बिल्कुल फ्री है, ये गली जो है यहाँ पे बैक साइड पे आप बैक पे क्यारी भी बना सकते हैं, गली टोटली फ्री है। यहाँ पे एक कह लें आप के आमदो रफ्त कम है, प्लस ये कि आप क्यारी बना के खूबसूरत से पौधे लगा के बैक का सारा ये गार्डन ज़बरदस्त बना सकते हैं आप, ये देखें। बल्कि मैं इस तरह कर दूँ, बाहर से आपको इन साइड का व्यू दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक और वॉशरूम जिसमें इंडियन सीट लगी हुई है जी, ये देख सकते हैं। और ये नीचे जगह यूटिलाइज की है इन्होंने स्टेयर्स के नीचे, ये टेक्सचर डिजाइन निहायत खूबसूरत। और ये देख सकते हैं वॉल के ऊपर भी सारा टेक्सचर हुआ है। स्टेयर से ऊपर का व्यू आपको दिखाता हूँ, नीचे मार्बल का इस्तेमाल, स्टील सारी रेलिंग। और ये हम आ गए हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे, ये देख सकते हैं आप। ये सारा फर्स्ट फ्लोर का स्टील, टॉप तक स्टील का इस्तेमाल। और ये देख सकते हैं इन्होंने स्टेयर्स के साथ साथ जो कलर कम्बिनेशन की है, टेक्सचर डिजाइन। फर्स्ट फ्लोर पे किचन का सारा व्यू है जी, ये देखें ये किचन का व्यू, ये टॉप पे किचन, ये सारा शीट लगी हुई यूवी शीट पीवीसी, ये देखें ये सारा किचन का व्यू है जी। वेंटिलेशन बाहर वाली साइड पे। अभी इस रूम का व्यू आपको दिखाता चलूं, इसमें भी वॉल के ऊपर देखें ये खूबसूरत टेक्सचर डिजाइन। और यहां से नीचे देख सकते हैं आप गैलरी, तीन स्टेप के बाद ये गैलरी है, टेरेस का सारा व्यू। ये टेरेस का व्यू है, फ्रंट एलिवेशन सारा। फ्रेश एयर के लिए गर्मी सर्दी आप यहां पर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। ये रूम वॉशरूम में यहाँ पे कमोड लगा हुआ है, और ये OTS इसके लिए सारी है। और ये अगेन हम आ गए हैं बाहर वाली साइड पे, ये सारा सीलिंग का डिजाइन टेक्सचर। इस रूम में जो इन्होंने टेक्सचर बनाया बहुत खूबसूरत, ये देखें इस रूम का सीलिंग डिजाइन सारा जबरदस्त। गैलरी बैक साइड पे, ये रास्ता जो आगे आपको बैक साइड पे व्यू बनाया था वीडियो, वो सामने ये देख सकते हैं इस्लामिया स्कूल की बैक साइड पे रास्ता आ रहा है, ये सारा गैलरी का व्यू है। और अभी इस रूम का व्यू ये देखें जी, इस रूम का भी खूबसूरत व्यू है। ये सारा सीलिंग डिजाइन खूबसूरत, निहायत खूबसूरत। ये वॉशरूम इंडियन सीट, ये सारा वॉशरूम का व्यू है। अभी हम टॉप पे चलते हैं जी, टॉप से डाउन का सारा व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। स्टेयर्स के ऊपर टीपी मार्बल लगा हुआ है, ये मुमतीस मिनी साइज की है, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा स्पेस है जो सामान वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने फैन की स्पेस बनाई हुई है। बाहर वाली साइड के आपको टॉप का व्यू, यहाँ पे भी इन्होंने स्टील का सारा व्यू, ये मुमती का व्यू है सारा जी लगाया हुआ है जी। टॉप पे फाइबर लगाए हुए फ्रेश एयर के लिए स्पेस इन्होंने, ये सारा मोंटी का व्यू है। और टैंकी भी आप प्लास्टिक की देख सकते हैं जी। नाज़रीन आपको ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर टॉप तक सारा व्यू दिखाया है, और जो मटेरियल लगा हुआ इस घर में जबरदस्त, और टेक्सचर डिजाइन जो है वो पेंट के साथ टेक्सचर डिजाइन हुआ है। टोटल घर में जो है टोटल जो रूम्स है 6 रूम्स है, 4 वॉशरूम है, 2 किचन है, और सारा आपको व्यू दिखाया टॉप तक का सारा, ईच एंड एवरीथिंग ब्रीफ किया इस वीडियो में। 2 साइड से रास्ता और है वो भी चेक करवाया, गैस वगैरह हर एक चीज अवेलेबल है। इस प्रॉपर्टी की जो ओनर डिमांड कर रहा है वो 1 करोड़ 20 लाख है।
अब इसलिए इसमें माइनस की कंसेशन मौजूद है, लेकिन जिस तरह की प्रॉपर्टी है, जो इस मटेरियल लगा हुआ है और जिस जगह लोकेशन है, कार पोर्च बड़ा जबरदस्त है, बड़ी गाड़ी एक्सलाई जो है ना, बड़ी गाड़ी भी इजीली एंटर हो सकती है, प्लंथ पूरे बासपुर सबसे जो ज्यादा बड़ा प्लंथ है इस घर का, तो 1,20,00,000 ओनर की डिमांड है, माइनस की कंसेशन अवेलेबल है। स्क्रीन के ऊपर नंबर ब्लिंक कर इस पर रब्ता करें ताकि मजीद डिटेल इन्फॉर्मेशन और फ्लेक्सिबिलिटी जो आपको डिटेल से बता दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दें, खुदा हाफिज़।